नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक एम्पलीफाई में। दोस्तों मैं फिर से एक और कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में, हम दो स्मार्टफोन मेनली लेंगे और दोस्तों उनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। और दोस्तों आपको मैं बताऊँगा एंड में कि उनमें से कौन ज़्यादा बढ़िया है, बेटर है आपके लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो दोनों स्मार्टफोन मैं आपके लिए बताने वाला हूँ जो हाल ही में लॉन्च होने वाले हैं, अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं। और दोस्तों दोनों ही काफ़ी अच्छी कंपनी के और दोनों काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जो दो स्मार्टफोन के बीच में कंपैरिजन करके देखेंगे, वो दोनों स्मार्टफोन एक ही कंपनी के हैं। दोस्तों पहला स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से आने वाला Xiaomi Poco F2। दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है Xiaomi की तरफ से आने वाला Mi Note 10 Lite। ये दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और दोस्तों हाल ही में लॉन्च होने वाले हैं, कुछ ही महीनों बाद यानी कि 1 से 1.5 महीने बाद ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में और काफ़ी अच्छे इसके जो स्पेसिफिकेशन है और दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन है। तो चलिए दोस्तों हम इनके बीच में कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में डिस्प्ले की। तो आपको Xiaomi का Poco F2 में 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जबकि Xiaomi की तरफ से आने वाला Mi Note 10 Lite में आपको 6.47 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम इनके कैमरों के बारे में। तो दोस्तों आपको जो Xiaomi का Poco F2 है उसके बैक में 4 कैमरों का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें पहला कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का, तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का, चौथा कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और दोस्तों बात करें Mi Note 10 Lite की, तो दोस्तों आपको इसमें भी 4 कैमरों का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें पहला कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का, तीसरा कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का, चौथा कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अब यदि बात करें इनके सेल्फी कैमरों की, तो दोस्तों इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, जो कि Xiaomi का Poco F2 में हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जबकि जो Mi Note 10 Lite है दोस्तों उसमें हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जो Poco F2 उसमें 20 मेगापिक्सल का मिल रहा है केवल, और दोस्तों जो Xiaomi का Mi Note 10 Lite है उसमें हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो Poco F2 है दोस्तों वो उसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जबकि जो Mi Note 10 Lite है उसमें सादा सेल्फी कैमरा नोच वाला जो आपको देखने को मिलता है। तो सेल्फी कैमरे में हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम इसके प्रोसेसर की। हमने बाहरी डिज़ाइन की बात कर ली, कैमरों की बात कर ली, अब बात करते हैं इनकी दम की। तो आपको Poco F2 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi के Mi Note 10 Lite में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में रैम की और रोम की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैम की। तो दोस्तों आपको इन दोनों स्मार्टफोन में रैम सेम देखने को मिलती है, 6GB की और 6GB की। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बीच में रोम यानी कि इंटरनल स्टोरेज की। तो आपको Poco F2 में 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जबकि बात करें Mi Note 10 Lite में तो आपको केवल 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इनकी बैटरी प्लस चार्जर की। तो दोस्तों Poco F2 में आपको 4100mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि थोड़ी सी कम है, और बात करें Mi Note 10 Lite में तो आपको उसमें 5260mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बीच में चार्जर की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले ही के दोनों स्मार्टफोन में जो आपको चार्जर देखने को मिलते हैं फास्ट चार्जर है, लेकिन जो Poco F2 उसमें 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जबकि जो Mi Note 10 Lite है आपको उसमें 30 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। आपको दोनों स्मार्टफोन के बीच में यानी कि जो फिंगरप्रिंट है उनमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, दोनों ही स्मार्टफोन में जो फिंगरप्रिंट है वो आपको इन डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन को ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो दोनों ही स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एंड्रॉयड 10 पर बेस दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं इनके वेट के बारे में। तो दोस्तों इनमें वेट में भी कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है,
जो पोको एफ टी है आपको उसमें 218 ग्राम वजन देखने को मिलता है, जबकि जो मी नोट 10 लाइट है उसमें केवल 208 ग्राम वजन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फाइनली इनके प्राइस के बारे में। हमने सारे कंपेरिजन देख लिए हैं और दोस्तों मैं आपको वीडियो में एंड में बताऊंगा कि इनमें से कौन सा विनर रहा, यानी कि आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं इनकी प्राइस की। सबसे पहले बात करते हैं पोको F2 की प्राइस की। तो दोस्तों आपको ये 26,990 रुपये यानी कि 27,000 रुपये में देखने को मिलता है, जबकि जो स्मार्टफोन है मी नोट 10 लाइट वो आपको 28,490 रुपये यानी कि 28,500 रुपये में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि कंपैरिजन में विनर कौन रहा। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आप सिंपल सा देख सकते हो पोको F2 विनर रहा है। और बात करें बैक कैमरे की तो इसमें भी पोको F2 बाजी मार गया। और बात करें फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरे में दोस्तों जो मी नोट 10 लाइट है वो जीत जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर भी जो पोको F2 उसमें दमदार है। और बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज की तो पोको F2 में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो बैटरी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसमें विनर हमारा मी नोट 10 लाइट रहा है। और चार्जर की बात करें तो थोड़ा सा ही ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा आपको पोको F2 में ही देखने को मिलता है। अब बात करें प्राइस की तो दोस्तों प्राइस में भी आपका जो पोको F2 है वो करीब 2 से 3 हज़ार रुपये कम में आ जाता है। और दोस्तों बात करते हैं फाइनली आपको कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको कोई भी एक स्पेसिफिक विनर नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ कैमरा यानी फ्रंट कैमरे में और दोस्तों केवल बैटरी में मी नोट 10 लाइट जीत गया। और दोस्तों बाकी जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों प्रोसेसर और जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों उसमें आपका पोको F2 विनर रहा है। तो आप सिंपली से देख सकते हो यदि आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए और फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी स्मार्टफोन चाहिए तो आप मी नोट 10 लाइट को ले सकते हो, वरना आप किसी और चीज़ या गेमिंग की तरफ जाना चाहते हो किसी भी चीज़ की तरफ जाना चाहते हो तो आप पोको F2 को ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 4100 mAh की बैटरी भी कोई कम बैटरी नहीं होती है, ये भी काफ़ी चलती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा बैटरी और फ्रंट कैमरा ही अच्छा होने से पूरा स्मार्टफोन अच्छा नहीं हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।